जो कई बार आप मेरे मुंह से सुन चुके हैं वो मैं खरीदारी करने की राय दूंगा, और जो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास सेफ है वो है आईटीसी। आईटीसी में 1 साल से लेकर 2 साल के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल्स पर सबसे सस्ता ब्लू चिप स्टॉक है, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, कैश रिच कंपनी है, बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। कुछ न कुछ कारण है जिनकी वजह से स्टॉक में वो परफॉर्मेंस अब तक नहीं आई है जैसी आप उम्मीद रखते हैं। हालांकि पिछली दिवाली पर भी मेरा ये रिकमेंडेशन था, तब 160-170 था, उससे 260-70 तक पहुंचा है। तो ऐसे देखा जाए तो दिवाली से दिवाली अगर आईटीसी जैसा स्टॉक 50-60% का रिटर्न दे दे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और ऐसे ही रिटर्न्स की उम्मीद मैं अब भी आईटीसी से कर रहा हूँ। पहला तो इस स्टॉक का सस्ता होना है, और दूसरा ये आगे पीछे कभी न कभी इस स्टॉक में भी वो एक्शन होगा जो एक जमाने बाद आपने एचयूएल में देखा या रिलायंस में देखा, कई कई साल तक की अंडर परफॉर्मेंस, और उसके बाद जब चलते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। उसका एक ही ट्रिगर हो सकता है, वैल्यू अनलॉकिंग। अगर आईटीसी के कारोबार का डीमर्जर हो, वो कब होगा, होगा नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो ना भी हो तब भी आपके लिए ये सेफ स्टॉक है, थोड़ा अभी खरीदें, 200 रुपये के आसपास आए तो और अक्यूमुलेट करें। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको जो आईटीसी के लिए रखने हैं वो 260 से 275 के, पहले भी वही दिए थे और लगभग उन लेवल के आसपास से स्टॉक घुमा भी। और जो आपके लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं वो 350 रुपये के हैं। तो आईटीसी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल से इस साल तक जो परफॉर्मेंस हुई है वैसी ही एक परफॉर्मेंस 50% से ज़्यादा की अपसाइड की आईटीसी में फिर से इस साल बन